अरे भाई, तो ये कंपाइलर कंपाइलर का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये जो कोड ब्लॉक्स हमने डाउनलोड किया है तो इसमें वायर्ड काम कर जाएगा, पिछला वाला जो किया था उसमें नहीं काम करता था। देखिए मैं दिखाता हूँ, पाथ हो तो अच्छे से सेट कर लीजिए तो ये काम करेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ वायर्ड मेन, तो VOID वायर्ड प्रोसेस ओपन कर लिया। अब यहाँ पर कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल एक ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया हमने ए, ठीक है। अब ए में रखी हुई वैल्यू इवन है कि ऑड है ये पता करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, और अब यहाँ पर स्कैनअप, क्योंकि यूजर एंटर करेगा तो स्कैनअप लिख देते हैं, और परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये करके यहाँ से टर्मिनेट करके A2 = 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये, तो ये हो गया इवन। एल्स कर दीजिए प्रिंट ऑड डबल डी, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको यहां से सेव कर दीजिए, ठीक है। देखिए प्रोग्राम चलेगा क्योंकि सिर्फ मैंने वायर्ड मेन लिखा है, जबकि पिछला जो कंपाइलर था उसमें वायर्ड एक्सेप्ट नहीं करता था डॉट सी, ठीक। और अब यहां से बिल्ड पे जाएंगे, इसको कंपाइल करवाते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक। अब इसको एक बार रन करवा लेते हैं, तो ये रन करवा लिया हमने, एंटर नंबर आ ही रहा है। यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ 5, फिर क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है ना। अगर फिर इसको यहाँ से कंपाइल रन करवाते हैं तो ये कंपाइल भी हो रहा है, और अब यहाँ से रन करवा लेते हैं तो ये रन हो गया। अब फिर एंटर करते हैं एक नंबर, इस बार मैं एंटर करता हूँ 8, तो आप देखिए इवन। तो ये कंपाइलर कंपाइलर का डिफरेंस है, सही से कंपाइलर डाउनलोड कीजिए, ठीक है।